नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज हम बात कर रहे हैं अवसाद पर, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पर बहुत गंभीरता से हावी हो रही है, और ये ऐसी समस्या है जिसका इलाज मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है, या कोई ऐसा तरीका जो इस समस्या से निजात पा सकते हैं तो वो केवल योग है। योग के कुछ मैं आज ऐसे अभ्यास आपको बताऊंगा जिनको आप करने से अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। देखिए, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करना बहुत ही आवश्यक है। कठोर परिश्रम के साथ साथ आपकी बिगड़ती हुई दिनचर्या, ये सब कारण मिलकर आप व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रेशराइज कर देती है, और व्यक्ति स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, और स्ट्रेस कब डिप्रेशन में बदल जाता है ये उसे भी पता नहीं चलता। तो ऐसे में आप हर रोज़ जो अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में जब आप जीते हैं, तो हर रोज़ आपको एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगा ये योग के अभ्यास। आपको हर रोज़ एनर्जी देगा, जिस प्रकार से आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, और मोबाइल को यूज़ करने से पहले आपको पता है कि आपको रिचार्ज करना बहुत ही आवश्यक है। रिचार्ज नहीं होगा तो मोबाइल आपके किसी काम का नहीं। इसी प्रकार से जब तक आप अपने आप को रिचार्ज नहीं करेंगे, आप दिन भर के जो काम हैं उनके प्रेशर में आ जाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे। और काम यदि आपने किया भी, लेकिन उसके परिणाम रोग के रूप में आपके शरीर में आने लगते हैं। तो वो कौन से अभ्यास हैं जो आपको स्ट्रेस से मुक्त करते हैं और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आपको बचाते हैं? योग में आप देखते हैं, सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण कैसे करेंगे? अ, उ और मैं, यदि हम तीन भागों में इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अ और उ की मात्रा को हम कम रखेंगे, मैं की मात्रा को बढ़ाएंगे। अर्थात यदि आप 10 सेकंड में ओम को उच्चारित करते हैं तो 3 सेकंड आप अ और उ, बाकी 7 सेकंड आप मैं की ध्वनि अधिक कीजिए, जिससे आपका आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र और विशुद्धि चक्र, ये तीनों चक्रों पर इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और आपके ब्रेन न्यूरॉन को स्ट्रेंथ मिलती है, उनकी फंक्शनिंग ठीक होती है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग ठीक होती है, एक वाइब्रेशन होती है जिससे ब्लड का फ्लो ठीक होने लगता है, ब्लॉकेज खुलने लगते हैं, एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज होकर आपकी बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है। तो इस प्रकार से आप ओम का उच्चारण करेंगे, ऐ की ध्वनि के साथ मुख को खोलेंगे, ऊ की ध्वनि के साथ थोड़ा संकरा करें मुख को, और फिर मुख को बंद करते हुए नासिका से मैं की ध्वनि को पूरा बाहर निकालते रहें जब तक आपका श्वास है। तो इस प्रकार से कम 21 बार दोहराएं, प्रतिदिन करें, सुबह और शाम दोनों समय करें। यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आप कमज़ोरी फील करते हैं शरीर में या मन में, तो आप देखेंगे कि एक ही वीक में आपको बहुत अधिक शक्ति महसूस होने लगेगी, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक दैविक ऊर्जा काम करने लगती है। दूसरा, आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में आप फर्स्ट फिंगर फोरहेड बात पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगली आँखों पर रखें, अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे इस प्रकार से, और श्वास को अंदर भरें और मैं की ध्वनि करेंगे, पूरा हृदय से ऊपर उठाते हुए उस वाइब्रेशन को अपने ब्रेन से होते हुए नासिका से बाहर करेंगे इस प्रकार से।
इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम आप 11 बार इसे जरूर करें तो आपको अवसाद से मुक्ति मिलेगी, आपके बीपी की प्रॉब्लम ठीक होगी। बीपी हाई रहता है या लो रहता है, दोनों ही परिस्थितियों में आप इन अभ्यासों को जरूर करें। आपको भूलने की प्रॉब्लम है, याददाश्त आपकी जब वीक होने लगती हैं तो आप इन अभ्यासों को ज़रूर करें। ब्रेन में ब्लड का फ्लो ठीक हो जाता है इन अभ्यासों को करने से। योग के बहुत ही पावरफुल अभ्यास है दोनों, आपके जीवन को व्यवस्थित करते हैं, आपके शरीर के अंदर दैविक शक्तियों का संचार होता है। ये शरीर देवालय है, शिवालय है, तो इस देवालय रूपी शरीर में दैविक शक्तियों का प्रवाह होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप सभी इन अभ्यासों को ज़रूर करें, अपने बच्चों को कराएं, जिससे आपके बच्चों की मेमोरी अच्छी होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इससे गले में हमारे एक वाइब्रेशन होती है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके टॉन्सिल, थायराइड ये सब प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, इनके फंक्शनिंग ठीक होती है इन सब ग्लैंड्स की। तो आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।